हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए वन विभाग से ट्रेड्समैन वैकेंसी 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। यदि आप भी 8वीं पास हैं तो इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म अप्लाई करके सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे कैसे आपको ये फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ट्रेड्समैन भर्ती ऑनलाइन ये फॉर्म आपको भरना है और महिला पुरुष दोनों के लिए ये वैकेंसीज हैं और इस बार बड़ा मौका है क्योंकि काफ़ी समय के बाद वन विभाग यानी कि फॉरेस्टेड डिपार्टमेंट में 8वीं पास के लिए ट्रेड्समैन वैकेंसी निकल रही है। तो इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, क्या इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको नेम और शर्तें बताई गई है, कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले आपको डेट बताई है कि कब ये नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ है। तो इस रिक्रूटमेंट के लिए 21 जनवरी 2023 यानी कि आज से 3 दिन पहले इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया गया था। इसमें फिर आपको एडवाइजर नोटिफिकेशन नंबर बताए गए हैं और यहां आपको वैकेंसी डिटेल्स बताई कि कितनी वैकेंसीज आपको यहां मिल रही है। तो सबसे पहले वैकेंसी डिटेल्स जान लेते हैं। रिक्रूटमेंट फॉर पोस्ट 52 वैकेंसीज कुक की हैं और 30 वैकेंसीज वाटर कैरियर यानी कि जलवाहक की वैकेंसीज, 11 पोस्ट ऑफ धोबी, 10 पोस्ट ऑफ बार्बर, 1 पोस्ट ऑफ पंप ऑपरेटर एंड 1 पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रीशियन, 1 पोस्ट ऑफ प्लम्बर, 2 पोस्ट ऑफ पियोन यानी कि 2 पोस्ट पियोन की भी आपको मिल रही है। और इसके बाद 1 पोस्ट ऑफ डार्क रनर और पोस्ट ऑफ इसमें आपको डिपार्टमेंट की बताया कि जंगली अंडर फॉरेस्टेड डिपार्टमेंट, ये फॉरेस्टेड डिपार्टमेंट के अंतर्गत इस वैकेंसी को कंप्लीट करवाया जा रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां आपको पेमेंट डिटेल समझाई है कि कितना पेमेंट आपको प्रत्येक पोस्ट के लिए दिया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें आपको नो एप्लीकेशन फीस, किसी प्रकार की एप्लीकेशन फीस आपको नहीं जमा करवानी है, केवल आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कैसे होगा वो डिटेल्स भी आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करेंगे यहां वैकेंसी डिटेल्स और पोस्ट और इसी के साथ वेतन। तो सबसे पहले यदि आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कितना वेतन मिलेगा, 14,000 रुपए से लेकर 60,500 रुपए, ग्रेड पे आपको 6,200 मिल जाएगा। तो आप अपने प्रारंभिक वेतन का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना वेतन आपको मिलेगा। तो सबसे पहले यहां 17,700 से आपका इसमें प्रारंभिक वेतन रहेगा। इसके बाद आपको 2 साल बाद इसमें वेतन मिलेगा 24,000 के समथिंग, 24 से लेकर 25,000 के समथिंग आपको वेतन मिलेगा इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट के लिए। इसके बाद प्लंबर की वैकेंसीज है, पंप ऑपरेटर के लिए भी पेमेंट देख सकते हो। इसके बाद आपकी जो पोस्ट है कुक है, वाटर कैरियर है, धोबी है, बार्बर है, पियोन है, डार्क रनर एवं जंगली, ये जो पोस्ट है इसमें आपका जो वेतन है वो 12,000 से लेकर 52,000 रुपये है और 3,900 रुपये आपको इसमें ग्रेड पे मिल जाएगा। तो यहाँ आपकी जो सैलरी है वो बहुत ही अच्छी सैलरी आपको इसमें मिल रही है, तो इसमें जरूर फॉर्म अप्लाई करें। इसके बाद आपको इसमें बताया है कि रोस्टर कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो आरक्षित वर्गों को कितनी कितनी पोस्ट मिल रही है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो इसमें आपकी कैटेगरी है कुक, वाटर कैरियर, धोबी, बार्बर, पंप ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पियोन और डार्क रनर और जंगली। तो ये तो आपकी पोस्ट है इसमें। अब यहाँ वैकेंसी डिटेल्स आपको बताई है कि जो वैकेंसीज है SC ST OBC को कितनी कितनी पोस्ट मिल रही है वो जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज 110 वैकेंसीज आपको मिल रही है इस रिक्रूटमेंट में। ज्यादा वैकेंसी नहीं है लेकिन आपको एक अच्छी जॉब मिल रही है यदि आप 8वीं पास हैं तो इस फॉर्म अप्लाई करके सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इसमें कैंडिडेट को कुछ क्राइटेरिया बताया गया है कि इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आप हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें बताया गया भारत का कोई भी निवासी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, भारत का कोई भी नागरिक। इसके बाद आपकी इसमें एज बताइए 18 से लेकर 40 वर्ष है और 1 जनवरी 2023 से एज की गणना की जा रही है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद SC ST अभ्यर्थियों को छूट मिल रही है। और इसी के साथ फ्रेंड्स फिर आपको इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल समझाइए। तो सबसे पहले कुक के लिए है 8वीं पास, यदि आप 8वीं पास हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ आपको बताया गया है कि यदि आपके पास स्किल सेंटर में आपके पास कोई डिप्लोमा है, ठीक है, या आपके पास अनुभव है तो आपको अलग से नंबर मिल जाएंगे। होटल मैनेजमेंट का यदि आपने कोर्स कर रखा है तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है। इसके बाद यदि आप वाटर कैरियर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ आपको इसमें बताया गया कोई भी अभ्यर्थी 8वीं पास है अप्लाई कर सकता है, 10th पास है अप्लाई कर सकता है। तो इसमें फिर आपको ये भी बताया गया है यदि आपके पास भी अनुभव है तो आपको अलग से मौका मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, आपको नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद आपकी यहाँ इलेक्ट्रीशियन की तो नॉर्मली आपके पास ITI होनी चाहिए, प्लम्बर की में ITI है और पीओन में आपकी बेसिकली 8वीं पास है। यदि आप 8वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हो, किसी प्रकार के अनुभव की आवश्यकता आपको नहीं है और भी इसमें आपको किसी प्रकार की क्राइटेरिया को कंप्लीट नहीं करना है। डार्क रनर की जो वैकेंसीज है इसके लिए भी 8वीं पास है, जंगली के लिए भी 8वीं पास है। इसके बाद आपके फ्रेंड्स यहाँ हाइट आपको बताइए कि हाइट कितनी होनी चाहिए, तो ये नॉर्मली आपकी हाइट इस रिक्रूटमेंट के लिए रखी गई है। और इसमें आप देख सकते हो जनरल OBC, OMBC, इसके बाद SC ST है और चेस्ट ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए है, केवल पुरुषों के लिए चेस्ट इसमें बताया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स इसके लिए एक और रूल आपको बताया गया है कि नोटिफिकेशन कहाँ से प्रकाशित हुआ है, किस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये अप्लाई करना होगा। तो ये जो बेसिकली रिक्रूटमेंट है ये असम से है, ठीक है फ्रेंड्स, ये वैकेंसीज असम राज्य से है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है। इस वेबसाइट पे जाके आप 23 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट है 6 फरवरी 2023 तक आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और सभी राज्यों के जो कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसमें आपको बताया गया, आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ आपको एक डिटेल समझाई गई है कि आपके पास
आपके पास मूल निवास होना चाहिए लास्ट डेट से पहले पहले, यानी कि ये फॉर्म जब भरा जा रहा है यानी कि 6 फरवरी से पहले का आपके पास